सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। हम इस वीडियो में जो कि चैप्टर वन साइंस का स्कैम का रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर है, उससे बाकी के बचे एमसीक्यू करेंगे। ये आपका पार्ट टू वीडियो है। पार्ट वन अगर वीडियो आपने नहीं देखा तो चैनल पे चले जाएं एंड वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख लें, एंड या फिर हम डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक डालने की कोशिश ज़रूर करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 26। पिछले वाले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस को कवर किया था, इसमें हम 26 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द गिवेन हीट एनर्जी विल बी एबॉल्व्ड, मतलब कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें हीट एनर्जी इवॉल्व हो गया। इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर, डी सोल्यूशन ऑफ NH4Cl इन वाटर, बर्निंग ऑफ LPG एंड डिकम्पोजिशन ऑफ AgBr इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि यहाँ पे बर्निंग ऑफ LPG में हीट इवॉल्व होता है। ये हमारे डेली लाइफ के एग्जाम्पल है जो हम इसे डेली देखते हैं। तो पहले क्वेश्चन हल्का टफ रहेंगे एंड उसके बाद हम क्वेश्चन को ईजी डालने की कोशिश करेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl इज एडेड टू द ग्रेनुलेटेड जिंक टेकन इन द टेस्ट ट्यूब, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन आर रिकॉर्डेड। तो सो आपको एक HCl एंड ZN का तो रिएक्शन आपको याद ही होगा, वहाँ पे आपको मेटल साल्ट बनेगा एंड H2 गैस रिलीज होगा। तो आइए देखते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। द सर्फेस ऑफ मेटल बिकम शाइनिंग, द रिएक्शन मिक्सचर टर्न मिल्की, ऑर्डर ऑफ द पंगेंट स्मेल गैस इज रिकॉर्डेड, अ कलरलेस एंड ऑर्डरलेस गैस इज इवॉल्व। तो सो आपका ये H2 गैस जो होता है ये कलरलेस होता है एंड ऑर्डरलेस होता है, मतलब इसका कोई टेस्ट नहीं होता, मीन्स स्मेललेस होता है वो H2 गैस, इसलिए आपका ऑप्शन डी आंसर सही आंसर होगा। सो गाइज, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले। हमारी टीम वर्क करने में बहुत ज़्यादा मेहनत करती है एंड आप लोगों का अच्छा रिस्पॉन्स उतना नहीं आ पा रहा है जितना आना चाहिए था, इसलिए मतलब थोड़ा होता है डीमोनेटाइज हम लोग हैं। अभी हमारा कोई मोनेटाइजेशन नहीं हुआ है, बट स्टिल वी आर हेल्पिंग यू ऑल। सो प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब द चैनल। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर रिएक्शन इन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। सो यहाँ पे जो आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है आपको बताना है ये कौन कौन सा रिएक्शन हो सकता है। सो देखिए NH3 प्लस O2 को रिएक्ट कराया गया है, तो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट मिला है NO एंड H2O हुआ है। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, रेडॉक्स रिएक्शन है या न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। सो आपको यहाँ पे बताना है ये कौन सा रिएक्शन है। तो यहाँ पे आपका सीधा दिख रहा है ये सी रेडॉक्स रिएक्शन है। यहाँ पे ऑक्सीडेशन भी हो रहा है एंड रिडक्शन भी हो रहा है, सो हम इसे रेडॉक्स रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे नाउ क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गिवन रिएक्शन आर करेक्ट, 3FeS मतलब सॉलिड है वो Fe है एंड H2O को जब मिलाएंगे तो Fe3O4 और 4H2 गैस होगा। तो यहाँ पे ए है ऑप्शन में आपका आयरन मेटल इज गेटिंग ऑक्सीडाइज, तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आयरन के पास ऑक्सीजन जुड़ रहा है, तो ए आपका होगा। वाटर इज गेटिंग रिड्यूस, यहाँ पर वाटर आपका से ऑक्सीजन निकल रहा है ये रिड्यूस हुआ। वाटर इज एक्टिंग एज रिड्यूसिंग एजेंट एंड वाटर इज एक्टिंग एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो यहाँ पे वाटर क्या कर रहा है, खुद रिड्यूस होकर दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है, तो यहाँ पे वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरफ काम कर रहा है। तो ए बी और डी आपका सही आंसर होगा, तो ऑप्शन यहाँ पे सी आपका सही है, ए बी एंड डी। सो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 30, विच ऑफ द फ्लोइंग आर द एक्जोथर्मिक प्रोसेस, तो इसमें से कौन सा आपका प्रोसेस है वो एक्जोथर्मिक है, मीन्स उसमें हीट रिलीज होता है। रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम, डायल्यूशन ऑफ एन एसिड, इवेपोरेशन ऑफ वाटर एंड सब्लिमेशन ऑफ कैम्फोर। तो यहाँ पे आपको अगर पता होगा तो यहाँ पे जो रिएक्शन ऑफ वाटर विथ क्विक लाइम होता है इसमें हीट इवॉल्व होता है एंड डायल्यूशन ऑफ एसिड ये भी एक एक्जोथर्मिक प्रोसेस होता है, इसमें भी हीट इवॉल्व होता है। तो यहाँ पे आपका ए हो गया, मतलब ए एंड बी सही आंसर हो गया, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही है। तो क्वेश्चन 30 हो गया हमारा। तो क्वेश्चन 31, अ डाइल्यूट फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू अ बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड परमैग्नेट सॉल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सॉल्यूशन फेडेड एंड फाइनली डिसअपीयर्स, विच ऑफ द गिवन इक्वेशन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन। तो लंबे क्वेश्चन देख कर डरना नहीं है, डायरेक्ट हम इसे पार्ट बाई पार्ट देखने जाएंगे। डायल्यूट एफी फेरस सल्फेट सॉल्यूशन वाज ग्रेजुअली एडेड टू द बीकर कंटेनिंग एसिडिफाइड पर मैग्नेट सोल्यूशन, द लाइट पर्पल कलर ऑफ द सोल्यूशन फेडेड एंड फाइनली डिसअपीयर्स। सो यहाँ पे आपको इक्वेशन अगर याद आ रहा होगा तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइजेज FeSO4 एंड आपका ये थी बी है, FeSO4 एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज KMnO4। ये तो आपका ऑप्शन ए ही है, मुझे सही लग गया, KMnO4 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इट ऑक्सीडाइज
FeSO4। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन ए। बाकी ऑप्शन अगर हमें दिख जाता है तो हम उतना देखने की जरूरत है भी नहीं। विच अमंग द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज एन आर ट्रू। एक्सपोजर ऑफ सिल्वर क्लोराइड टू सनलाइट फॉर अ लॉन्ग ड्यूरेशन टर्न ग्रे ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, सब्लिमेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, डिकम्पोजिशन ऑफ क्लोरीन गैस फ्रॉम सिल्वर क्लोराइड एंड ऑक्सीडेशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड। तो इसमें से आपको सही आंसर चुनना है। तो यहाँ पे आपका आंसर है ए, मतलब ए, ओनली ए। तो यहाँ पे द फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर बाय डिकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए सही है। तो क्वेश्चन नंबर 33, सोडियम और सॉलिड कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विगरेसली विथ वाटर टू फॉर्म कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अकॉम्पेनिड बाई लिबरेशन ऑफ हीट, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड स्लेकिंग ऑफ लाइम। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डिजॉल्व इन वाटर टू फॉर्म इट्स सोल्यूशन कॉल्ड लाइम वाटर। विच अमंग द फ्लोइंग आर ट्रू अबाउट स्लेकिंग ऑफ लाइम एंड सोल्यूशन फॉर्म। तो ये आपका एक स्टेटमेंट दे दिया एंड इसमें से आपको क्वेश्चन पूछा गया। तो इसमें बहुत ध्यान से देखना होता है आखिर ये क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है। तो इट इज़ एन इंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज़ एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, द पीएच ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7 एंड यहाँ पे हो गया द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी लेस देन 7। तो यहाँ पे आपका हो गया बी एंड सी सही आंसर। बी मतलब इट इज़ एन एक्जोथर्मिक रिएक्शन, इसमें हीट निकलता है, एंड सी द पीएच ऑफ द रिजल्टिंग सॉल्यूशन विल बी मोर देन 7। तो नेक्स्ट, होप आपको ये रिएक्शन पता होगा, ये बहुत फेमस रिएक्शन है। अगर आपको नहीं पता तो हमारी पिछली वाली वीडियो देख लें, उसमें उसके बारे में डिस्कस की गई है पार्ट वन में। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 34, बेरियम क्लोराइड ऑन रिएक्टिंग विथ अमोनियम सल्फेट फॉर्म्स बेरियम सल्फेट एंड अमोनियम क्लोराइड, विच ऑफ द फ्लोइंग करेक्टली रिप्रेजेंट द टाइप ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 34 का हो गया आपका डी, मीन्स बी एंड डी। तो प्रिसिपिटेशन रिएक्शन यहाँ पे आपको शो होगा एंड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो होगा। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 35, विच ऑफ द फ्लोइंग इज विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन इंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसमें हीट अब्जॉर्ब होता है। तो डाइल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, ये तो एक्जोथर्मिक हो गया, सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर एंड इवोपोरेशन ऑफ वाटर। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बोथ बी एंड डी। तो बी हो गया सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस एंड इवोपोरेशन ऑफ वाटर जो होता है, इसे आप देख लें, ये इंडोथर्मिक होता है। इवोपोरेशन ऑफ वाटर इंडोथर्मिक होता है एंड कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर ये एक्जोथर्मिक होता है। तो इसे ध्यान से देख लें। नाउ क्वेश्चन 36, इन द डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बिटवीन एक्वस पोटेशियम आयोडाइड एंड एक्वस लीड नाइट्रेट, अ येलो प्रिसिपिटेट ऑफ लीड आयोडाइड इज फॉर्म्ड व्हाइल परफॉर्मिंग द एक्टिविटी इफ लीड नाइट्रेट इज नॉट अवेलेबल, विच ऑफ द गिवेन कैन बी यूज्ड इन द प्लेस ऑफ लीड नाइट्रेट। तो हम इसे आराम से देखें कौन उसे कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है, तो वहाँ से हम उसका सही चुन लेंगे। तो यहाँ पे हो गया लीड सल्फेट, लीड एसीटेट, अमोनियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट। तो यहाँ पे लीड एसीटेट जो है वो उसको यदि उसका जो जो अगर नहीं रहे तो उसका काम कर सकता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, लीड एसीटेट। नाउ क्वेश्चन 37, विच ऑफ द गिवन गैस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और हीलियम, हीलियम और नाइट्रोजन। तो आपका क्वेश्चन नंबर 37 का हो गया नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। यहाँ पे आपको नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। नाउ क्वेश्चन 38, फैटी फूड बिकम रेंसिड ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ, तो जो हमारा फैटी फूड होता है वो किस कारण से रेंसिड हो जाता है, तो कोरोजन तो होगा नहीं, रिडक्शन होगा नहीं, हाइड्रोजिनेशन होगा नहीं, तो यहाँ पे आपका ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पे आपको बुक में भी हालांकि एनसीईआरटी में दी हुई है ये बात। नाउ क्वेश्चन 39, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। सो मुझे तो लगता है आगे देख लेते हैं, सिंबल्स एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व अ पर्टिकुलर रिएक्शन, नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट फ्रॉम वेदर पार्टिकल रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। सो आई थिंक इसका ऑप्शन डी सही होगा, वेदर अ पार्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअली फिजिबल और नॉट। यस, विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वेड बाई द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, से हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो
एक्चुअली वो रिएक्शन होगा या नहीं होगा, वो जैसा है बस उसको बैलेंस करके आप उसको नंबर इक्वल कर सकते हैं मोल्स को, बट ये नहीं कह सकते कि वो पॉसिबल है या नहीं है। तो क्वेश्चन 40, द केमिकल फार्मूला ऑफ लीड सल्फेट इज, यहाँ पे आपको लीड सल्फेट का केमिकल फार्मूला बताना है। तो यहाँ का आपका सीधा एनसीईआरटी में ये चीज़ दी हुई है, PbSO4 लीड सल्फेट का हो गया। सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 41, केमिकली रस्ट इज, तो रस्टिंग क्या है। तो केमिकली अगर केमिकल केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रस्ट जो है इसमें से हाइड्रेट फेरस ये नहीं है, ओनली फेरक ऑक्साइड ये भी नहीं है, हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड ये भी नहीं है। तो ये हो गया हमारा नॉन ऑफ दीज। बहुत कम ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके नॉन ऑफ दीज आंसर होते हैं, तो इसका हो गया नॉन ऑफ दीज। बोथ CO2 एंड H2 गैसेस आर हेवियर देन एयर, कलरलेस, एसिडिक इन नेचर एंड सोल्यूबल इन वाटर। तो यहाँ पे 42 का हो गया कलरलेस, CO2 एंड H2 गैसेज आर कलरलेस। यहाँ पे CO2 तो एसिडिक होता है बट आई डोंट नो अबाउट H2, सो एसिडिक इन नेचर वाला पे थोड़ा डाउट है, बट ये कलरलेस वाला एकदम सही आंसर है। CO2 ऐसे कलर नहीं होता है, लेकिन आप अगर उसे COOS से अगर पास कराएंगे तो मिल्की कलर का हो जाता है, लेकिन CO2 अकेला रहे तो कलरलेस होता है। क्वेश्चन 43, विच ऑफ द गिवन गैसेस कैन बी यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फ्रेश सैंपल ऑफ एन ऑयल फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो शायद हम लोगों ने ये क्वेश्चन किया हुआ था 43, इसका आंसर आया था नाइट्रोजन और हीलियम। आई थिंक उसमें कुछ और आंसर आया था, आप उसे एक बार चेक जरूर कर ले गूगल पे। सो नाउ क्वेश्चन 44, इन द डिकम्पोजिशन ऑफ लीड टू नाइट्रेट टू गिव लीड टू ऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैस, द कोफिशियंट ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इन द बैलेंस इक्वेशन इज। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा 4। सो नाउ क्वेश्चन 45, वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन अ डार्क कलर्ड बोतल बिकॉज ऑफ इट्स, आपको यहाँ बताएं, टू अवॉइड एक्शन ऑफ सनलाइट। तो सनलाइट से मिलकर कुछ और वो बना लेता है, इसलिए वो डिकम्पोज हो जाता है, इसलिए हम इसे डार्क कलर बोतल में रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर अ फ्यू डेज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ, जो सिल्वर का आर्टिकल्स होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं किस रीजन से। तो ये ऐसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, ये हो गया ऑप्शन डी आपका Ag2S। ना आपका क्वेश्चन नंबर 47, व्हेन क्रिस्टल ऑफ लीड नाइट्रेट आर हीटेड स्ट्रांगली इन द ड्राई टेस्ट ट्यूब, तो क्रिस्टल इमिडिएटली मेल्ट, अ ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, वाइट फ्यूम्स अपीयर्स इन द ट्यूब, येलो रेसिड्यू इज लेफ्ट। अगर 47 का हो गया ब्राउन रेसिड्यू इज लेफ्ट, जो ब्राउन कलर की रेसिड्यू होती है वो बच जाती है। क्वेश्चन नंबर 48, विच ऑफ द गिवन प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद वाटर, तो कैल्शियम ऑक्साइड CaO जब H2O के साथ मिलती है तो क्या बनती है, ये आपको पता होना चाहिए था। इसका होता है स्लेक लाइम CaOH2। सो क्वेश्चन 49, व्हाट इज द अदर नेम फॉर क्विक लाइम, तो क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है। तो ये हो गया कैल्शियम ऑक्साइड CaO को हम क्विक लाइम बोलते हैं, CaOH2 को हम बोलते हैं स्लेक लाइम, एंड CaCO3 को हम बोलते हैं CaCO3 को बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो ये सारी चीज़ें होती है जो आपको याद रखनी होती है। एंड क्वेश्चन 50, लास्ट क्वेश्चन हमारा चैप्टर 1 से, एंड अगर अच्छा आपका रिस्पांस मिले तो हम और भी क्वेश्चंस लाने की ट्राई करेंगे। सो क्वेश्चन 50, व्हाट इज़ द केमिकल नेम फॉर स्लेक लाइम, तो स्लेक लाइम का आपको केमिकल नेम बताना है। तो होप आपको ये पता होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, शायद ये मैंने पिछले क्वेश्चन में ही बताया था। सो हमारा सारा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बस आपका एक सपोर्ट की ज़रूरत है, तो सब्सक्राइब कर दे चैनल को। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर एंड बाय।